मैं हूँ सोनाली, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप पर मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकीज। इसमें हम बात करते हैं हिंदी से इतर देश के अन्य भाषाओं में बनने वाले सिनेमा की। आज हम चर्चा करेंगे तमिल भाषा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक जगमे थांदिरम की। तो 1 जून को तमिल फिल्म स्टार धनुष ने बड़े बुझे हुए मन के साथ अपनी फिल्म जगमे थांदिरम का ट्रेलर रिलीज किया। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर ट्वीट करते हुए लिखा, जिस फिल्म को थिएटर्स में देखने का अनुभव कमाल होता वो अब नेटफ्लिक्स पर आ रही है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप जगमे थांदिरम और सुरुली को एंजॉय करेंगे। 2016 में अनाउंस की गई ये फिल्म 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। फिल्म को लेकर भयानक बस था, मगर पैंडेमिक की वजह से सिनेमाघर लंबे समय से बंद है। फुल कैपेसिटी में थिएटर्स खुलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में फिल्म की रिलीज को लटकाने की बजाय मेकर्स ने इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस चीज को लेकर धनुष और फिल्म के प्रोड्यूसर शशिकांत के बीच विवाद भी हो गया। धनुष चाहते थे कि जगमे थांदिरम थिएटर्स में ही रिलीज की जाए, क्योंकि इस फिल्म को देखने का मजा सिनेमाघरों में ही है। ये विवाद थोड़ा खिंचा भी, मगर शशिकांत ने नेटफ्लिक्स के साथ अपनी डील फाइनल कर दी। फिर धनुष ने भी मामले को ज्यादा तूल न देते हुए नेटफ्लिक्स रिलीज पर हामी भर दी। जगमे थांदिरम 18 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकेगी। तो जगमे थांदिरम की कहानी मदुरई में रहने वाले एक लड़के सुरुली की है। कहने को तो वो एक होटल चलाता है, मगर उसका मेन बिजनेस भाईगिरी है। क्राइम की दुनिया में धीरे धीरे सुरुली बड़े लेवल पर पहुंच जाता है। फिल्म के ट्रेलर के आखिर में सुरुली भरपूर संतुष्टि के साथ एक डायलॉग कहता है, लंदन की सड़कों पर एक तमिल गैंगस्टर। मोटा माटी ये डायलॉग इस फिल्म का सार है, मगर ट्रेलर में कुछ और चीजें भी दिखाई देती है। सुरुली इंडिया के क्राइम वर्ल्ड में नाम बनाने के बाद एक लंदन बेस्ड इंटरनेशनल गैंगस्टर के लिए काम करता है, मगर बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इन दोनों की भिड़ंत लंदन में तमिलियन इमिग्रेंट्स के मसले से जुड़ी हुई लगती है। फिल्म में एक से ज्यादा जगह पर इसका जिक्र भी है। जगमे थांदिरम के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने बताया कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस फिल्म में वो लोकल कैरेक्टर की मदद से एक ग्लोबल मसले पर बात करेंगे। वो ग्लोबल मसला इमिग्रेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, मगर ये ट्रेलर देखकर किया जाने वाला एक गेस है। असली खेल फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अब जगमे थांदिरम में धनुष लीड यानी कि सुरुली के कैरेक्टर में नजर आएंगे। ये इस साल रिलीज होने वाली उनकी दूसरी फिल्म होगी। पिछले दिनों सिनेमाघरों के खुलने पर उनकी कर्णन रिलीज हुई थी, जिसे शानदार रिस्पॉन्स मिला। धनुष के अलावा फिल्म में मलयालम एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी, जोजू जॉर्ज, शरत रवि और जेम्स कॉस्मो जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए रॉबर्ट डी नीरो और अल पचीनो जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था, मगर काम नहीं बन पाया। डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज के मुताबिक हॉलीवुड एक्टर्स को फिल्म में कास्ट करना बड़ा पेचीदा होता है। वहाँ इतने सारे एजेंट्स होते हैं कि आप सीधा एक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। फाइनली उस रोल में गेम ऑफ थ्रोन समेत कई बड़ी फिल्मों और सीरीज में काम कर चुके एक्टर जेम्स कॉस्मो को साइन किया गया। जेम्स फिल्म में लंदन बेस्ड गैंगस्टर का रोल करेंगे, जिसके लिए सुरुली काम करता है। अप्रैल में इस फिल्म के बनने की घोषणा की गई। तब इसकी कहानी न्यूयॉर्क में घटने वाली थी, मगर फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते फिल्म रोक दी गई। 2018 में शशिकांत की कंपनी ने ही स्क्रिप्ट खरीद कर इस पर काम शुरू कर दिया। तय हुआ कि रजनीकांत की पेट्टा से निपटने के बाद कार्तिक सुब्बाराज इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे। तब तक धनुष भी अपनी दूसरी फिल्मों का काम खत्म कर लेंगे। जुलाई 2019 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दिसंबर में खत्म। इस दौरान जगमे थांदिरम की टीम ने लंदन, मदुरई और चेन्नई के कई लोकेशंस पर शूटिंग की, मगर कोविड की वजह से फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम रुक गया। 4 साल तक मेकिंग में रहने के बाद फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। धनुष को फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा स्टार कहने में वैसे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वो क्वालिटी फिल्मों में काम करके अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी ले आते हैं, जिसमें उनकी तारीफ, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होती है। उनकी पिछली फिल्म कर्णन को ही देख लीजिए। बिल्कुल जमीनी स्तर पर कास्ट सिस्टम की बात करने वाली ये जबरदस्त हार्ड हिटिंग फिल्म थी, और धनुष के तो क्या ही कहने। मगर धनुष देश के सबसे बड़े स्टार इसीलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं कर रहे, वो हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड में भी साथ साथ काम कर रहे हैं। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, हिंदी फिल्म अतरंगी रे में वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सारा अली खान नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वो एवेंजर्स एंडगेम वाले रूसो ब्रदर्स की अगली फिल्म द ग्रे मैन की कास्ट का हिस्सा भी हैं।
नेटफ्लिक्स के लिए बन रही इस फिल्म में रायन गॉसलिंग, क्रिस इवांस और एना डे आर्मस जैसे हॉलीवुड स्टार्स भी नजर आएंगे। भयंकर लेवल पर बन रही एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप किया जाएगा और धनुष उस फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। खैर, आज के मैटनी शो में आपके लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। ये शो आपके लिए लिखते हैं हमारे साथी श्वेतांक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।